नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश, गैजेट्स एंड टेक्नोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यहां पे एसडी कार्ड तो आप सभी लोग यूज करते होंगे अपने स्मार्टफोन में, डिजिटल कैमरा में या फिर पॉइंट एंड शूट कैमरा में। यहां पे अलग अलग कार्ड्स का अलग अलग मीनिंग होता है और यहां पे अलग कार्ड की अलग स्पीड आपको देखने को मिलती है, साथ में स्टोरेज भी आपको अलग अलग देखने को मिलता है हर एक कार्ड में। तो ऐसे में आज बात करेंगे अलग अलग कार्ड्स के बारे में, साथ ही बात करेंगे इनकी क्लासेस के बारे में, कौन कौन से क्लास के कार्ड होते हैं, डिटेल में थोड़ा सा यहाँ पे बात करेंगे। तो आप मेरे साथ में आगे इस वीडियो को देखते रहो, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। मैं इस तरह की वीडियोस लेके आता रहता हूँ। यहाँ पे बहुत सारा कन्फ्यूजन अलग कार्ड्स के बीच में होता है हम लोगों को, मतलब पहले मुझे भी होता था सारा ही कन्फ्यूजन, लेकिन यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कौन से कार्ड कौन से टाइप का होता है, और यहाँ पे अलग स्पीड मिलती है आपको और अलग स्टोरेज आपको देखने को मिलता है अलग अलग कार्ड्स में। यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करें क्लासेस की, तो वो भी हर एक कार्ड की स्पीड पर डिपेंड होती है और सारी चीज़ें यहाँ पे अलग अलग होती हैं हर एक कार्ड्स के लिए। दुनिया भर में जितने भी आप एसडी कार्ड्स देखते हो उन सारे कार्ड्स का एक स्टैंडर्ड होता है। यहाँ पे एसडी एसोसिएशन है जिसको हम बोलते हैं सिक्योर डिजिटल एसोसिएशन, वो तय करती है कि किस कार्ड की कितनी लिमिट होती है और किस कार्ड की कितनी स्पीड आपको देखने को मिलती है। एसडी एसोसिएशन में कुछ कंपनीज हैं जैसे जायंट कंपनीज हैं, जैसे पैनासोनिक हो गई, यहाँ पे सैंडिस्क हो गई या फिर तोशिबा हो गई, और भी कई सारी कंपनीज हैं जिन्होंने मिलकर एसडी एसोसिएशन को बनाया हुआ है और यहाँ पे ये स्टैंडर्ड को तय करते हैं कि इस कार्ड की इतनी स्पीड होगी, इस कार्ड की इतनी कैपेसिटी होगी। तो यहाँ पे अलग अलग कार्ड्स को हम मदद पर लेते हैं डेली यूज में अपने स्मार्टफोन्स पे, डिजिटल कैमरा में या फिर एक्शन कैमरा में। हर एक कार्ड का अलग अलग मीनिंग होता है। मेरे पास में ये दो कार्ड आप देख रहे होंगे, कुछ इस तरीके के कार्ड हैं। ये है एक स्टैंडर्ड कार्ड और ये है यहाँ पे माइक्रो एसडी कार्ड। हर एक कार्ड का अलग मीनिंग होता है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस कार्ड का कौन सा मीनिंग यहाँ पे होता है। मार्केट में जितने भी एसडी कार्ड आपको देखने को मिलते हैं ये अलग अलग साइज में आते हैं। यहाँ पे स्टैंडर्ड तीन साइज इनके देखने को मिलते हैं। यहाँ पे स्टैंडर्ड साइज आता है कुछ इस तरीके का, यहाँ पे दूसरा साइज आता है मिनी साइज जो कि बहुत ही कम आपको देखने को मिलता है। ये जो स्टैंडर्ड साइज है मेनली हम यूज करते हैं अपने DSLR हो गए, पॉइंट एंड शूट कैमरा हो गए, वहाँ पे इसको मदद में लिया जाता है। और तीसरा साइज आता है इसमें माइक्रो, जो कि कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलता है, बहुत ही छोटा साइज होता है और इसको हम अपने स्मार्टफोन पे मेनली यूज में लेते हैं। अब बात आती है स्टोरेज कैपेसिटी की। यहाँ पे आपको चार टाइप के स्टोरेज देखने को मिलते हैं इन कार्ड्स के साथ में। अलग अलग स्टोरेज कैपेसिटी के हिसाब से इनको अलग कैटेगरी में डाला हुआ है सारे एसडी कार्ड्स को। यहाँ पे चार टाइप के आपको देखने को मिलते हैं मेनली। यहाँ पे पहला आता है SDSC जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड कैपेसिटी, दूसरा आता है SDSC जिसको हम बोलते हैं हाई कैपेसिटी, और तीसरा आता है यहाँ पे SDXC जिसको हम बोलते हैं एक्सटेंडेड कैपेसिटी, और चौथा आता है यहाँ पे SDUC जिसको हम बोलते हैं अल्ट्रा कैपेसिटी। सभी का स्टोरेज आपको अलग देखने को मिलता है। यहाँ पे 128 TB तक का आपको स्टोरेज देखने को मिलता है। जो पहले की कैपेसिटी है यहाँ पे SDSC जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड कैपेसिटी, यहाँ पे आपको मिलती है 2 MB से लेकर 4 GB तक की कैपेसिटी। जो दूसरा आता है SDSC जिसको हम बोलते हैं हाई कैपेसिटी, जो मेरे पास में यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको 4 GB से लेकर 32 GB तक का स्टोरेज कैपेसिटी देखने को मिलती है। तीसरा आता है SDXC जिसमें आपको मिलती है 32 GB से लेकर 2 TB तक की कैपेसिटी, और यहाँ पे ये जो फाइनल आता है इसको बोलते हैं SDUC जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे अल्ट्रा कैपेसिटी। यहाँ पे स्टोरेज कैपेसिटी आपको मिलती है 2 TB से लेकर 128 TB तक की, जो कि काफी हाई है और यहाँ पे मतलब आपको स्टोरेज तो बहुत ही ज्यादा मिलने वाला है इसके साथ में। यहाँ पे ये जो SDUC स्टैंडर्ड है ये काफी लेटेस्ट स्टैंडर्ड है, यहाँ पे आपको स्टोरेज कैपेसिटी काफी ज्यादा मिलती है, मतलब 128 TB की आपको स्टोरेज कैपेसिटी मिल रही है जो कि काफी हाई है। अगर हम बात करें स्पीड की तो सारे कार्ड्स की आपको अलग स्पीड देखने को मिलती है। यहाँ पे इसकी अलग क्लासेस दी हुई हैं, क्लास 2 हो गया, क्लास 4 हो गया, क्लास 6 हो गया, क्लास 10 हो गया, और यहाँ पे UHS 1, UHS 2, UHS 3, और कुछ यहाँ पे वीडियो क्लासेस भी हैं जैसे क्लास 30, क्लास 60 और क्लास 90, जहाँ पे आपको अलग अलग स्पीड देखने को मिलती है। और अगर हम यहाँ पे अलग क्लासेस की स्पीड की बात करें तो यहाँ पे जो क्लास 2 कार्ड्स होते हैं उन पे आपको स्पीड मिलती है 2 MB/s की, जो क्लास 4 होते हैं वहाँ पे 4 MB/s की, जो क्लास 6 है वहाँ पे आपको मिलती है 6 MB/s की, और जो क्लास 10 है वहाँ पे आपको मिलती है 10 MB/s की, जो कि यहाँ पे काफ़ी हाई स्पीड होती है। यहाँ पे ये IOPS हम इसको बोलते हैं, जो इनपुट आउटपुट स्पीड आपको मिलती है, रीड राइट ऑपरेशंस जो होते हैं उन पे आपको ये स्पीड देखने को मिलती है। और यहाँ पे क्लास 10 को भी अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है, UHS 1, UHS 2 और UHS 3, तीनों में ही आपको अलग अलग स्पीड देखने को मिलती है। यहाँ पे मेरे पास में भी क्लास 10 वाला कार्ड है लेकिन ये UHS 1 यहाँ पे लिखा गया है, और यहाँ पे स्पीड मिल रही है 48 MB/s की। यहाँ पे अगर हम बात करें क्लास 1 की तो ये सपोर्ट करता है 104 MB/s तक की स्पीड, 104 MB/s की, और बात करें UHS 2 की तो यहाँ पे स्पीड आपको मिलती है अप टू
156 MB/s की, और बात करें अगर UHS 3 की तो वहाँ पे आपको स्पीड मिलती है अप टू 320 MB/s, 320 MB/s की, जो कि काफ़ी हाई स्पीड होती है। मतलब आपको ऐसे में डेटा ट्रांसफ़र काफ़ी हाई मिलने वाला है। अब बात करते हैं कि क्यों इनका यूज़ किया जाता है यहाँ पे। मतलब स्मार्टफोन पे आप अलग तरह के कार्ड को यूज़ करते हो, और बात करें अगर DSLR की तो वहाँ पे आपको काफ़ी फास्ट कार्ड चाहिए होते हैं। वहाँ पे मतलब ऑपरेशंस काफ़ी क्विक होते हैं, और यहाँ पे ये मेनली यूज़ किया जाता है जहाँ पे आप 8K वीडियोस को रिकॉर्ड कर रहे हो, या फिर यहाँ पे 4K वीडियोस को आप रिकॉर्ड कर रहे हो। मेनली जितने भी कार्ड्स होते हैं यहाँ पे स्टोरेज कैपेसिटी सबकी अलग देखने को मिलती है, और स्पीड भी अलग देखने को मिलती है। यहाँ पे हम बात करें फास्ट कार्ड्स की, तो यहाँ पे जो फास्ट कार्ड यूज़ होते हैं मेनली यूज़ किया जाता है अपने DSLR में, जहाँ पे आप 8K वीडियो रिकॉर्डिंग करते हो, और जो मूवीज़ शूट होती हैं वहाँ पे आपको 8K वीडियोज़ या 4K वीडियोज़ की रिकॉर्डिंग देखने को मिलती है। यहाँ पे जितने भी कार्ड्स मैंने आपके साथ में शेयर करे हैं, चाहे वो हाई स्टोरेज कैपेसिटी वाले कार्ड हों या फिर हाई स्पीड वाले कार्ड्स हों, सबका अलग यूज़ है। अगर आपको नॉर्मल यूज़ के लिए कार्ड्स चाहिए हैं तो आप क्लास 6 कार्ड्स के साथ में जा सकते हैं, और अगर आपको चाहिए हाई डेटा ट्रांसफर वाले कार्ड तो यहाँ पे क्लास 10 के कार्ड आप यूज़ कर सकते हो, वो भी स्पेशली UHS 1। और अगर आपको 8K वीडियो रिकॉर्डिंग चाहिए तो UHS 2 और 3 की तरफ आप जा सकते हो, जहाँ पे आपको काफ़ी हाई स्पीड मिलती है जिसको हम अल्ट्रा हाई स्पीड बोलते हैं, और वहाँ पे आपको इनपुट आउटपुट काफ़ी क्विक मिलता है, साथ में रीड राइट ऑपरेशंस भी काफ़ी क्विक होते हैं। तो ऐसे में मतलब आप अगर वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हो अपने DSLR से जहाँ पे आपको 4K वीडियोस की क्वालिटी चाहिए, तो वहाँ पे काफ़ी हाई स्पीड चाहिए होती है उस डेटा को सेव करने के लिए उतनी जल्दी, तो वहाँ पे हम UHS 2 कार्ड का यूज़ कर सकते हो जहाँ पे, क्योंकि काफ़ी क्विक होती है स्पीड। तो ऐसे में मतलब अगर कितना MB होता है, 156 MB तक का ये स्टोरेज को सेव करता है पर सेकंड, जो कि काफ़ी हाई स्पीड होती है। तो ऐसे में हम UHS 2 कार्ड्स को वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और अगर बात करें 8K वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो वहाँ पे हमको यूज़ करना चाहिए क्लास 10 UHS 3 कार्ड को, क्योंकि वहाँ पे हमको रीड राइट ऑपरेशन काफ़ी क्विक मिलते हैं, वहाँ पे आपको काफ़ी हाई स्पीड मिलती है 320 MB/s तक की, जो कि काफ़ी हाई स्पीड होती है। तो ऐसे में अलग अलग यूज़ के लिए अलग कार्ड यहाँ पे बनाए गए हैं, लेकिन सभी कार्ड की कॉस्ट भी आपको अलग देखने को मिलती है। तो यहाँ पे मेरे पास में भी सैमसंग का ये कार्ड है, ये UHS 1 कार्ड है जो कि मैंने अपने कैमरे के लिए लिया हुआ है। तो इसमें देखते हैं कि कितनी हाई स्पीड हमको मिलती है। यहाँ पे लिखा हुआ 48 MB/s की, जो कि काफ़ी हाई स्पीड है, मैंने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको लिया गया है। ये $16 का कार्ड मेरे को पड़ा है दोस्तों। तो बस यही सारी है SD कार्ड्स के बारे में सारी डिटेलिंग आपको मैंने बताई दिया, क्लास 10 कार्ड्स क्या होते हैं, माइक्रो SD कार्ड्स क्या होते हैं, मिनी SD कार्ड्स क्या होते हैं, और बाकी सारे ही कार्ड्स के बारे में मैंने आपको बताई दिया है। तो दोस्तों आई होप कि आपको सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर होंगी SD कार्ड्स के बारे में, चाहे वो माइक्रो SD कार्ड हो, क्लास 10 कार्ड्स हो, या फिर उनकी स्पीड हो, सारी चीज़ें मैंने इसमें बताई दी हैं इस वीडियो में। आपको कोई सजेशन ओपिनियन है इस SD कार्ड्स के बारे में तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हो, और आपको कोई डाउट है वो भी आप नीचे कमेंट में लिख सकते हो, आपको कोई सजेशन ओपिनियन है तो वो भी आप नीचे लिख सकते हो कमेंट में। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। मैं इस तरह की वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।